हिमाचल प्रदेश में हैंग ग्लाइडिंग बड़े पैमाने पर होती है। केवल बीट बिलिंग ही नहीं बल्कि धर्मशाला, शिमला और मनाली में भी हैंग ग्लाइडिंग की जाती है। लेकिन मध्य एशिया में इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हैंग ग्लाइडिंग के नियमों को कड़ा कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि हमास के आतंकी हैंग ग्लाइडर से इजराइल की जमीन पर घुसे और 1500 लोगों की जान ले ली। अब कोई भी व्यक्ति DGCA से मान्यता प्राप्त परीक्षक से परमिशन मिले बिना ग्लाइडर नहीं उड़ा सकता है। परीक्षक व प्रशिक्षक वह व्यक्ति होगा जिसने पावर्ड हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे बिताए हों और ड्यूल मशीन पर कम से कम 10 घंटे काम किया हो, यानी पहले जांच होगी फिर मंजूरी मिलेगी। DGCA के प्रमाण पत्र के बगैर ग्लाइडर को बेचा नहीं जाएगा। ऐसे में अब हैंग ग्लाइडिंग करने से पहले इन नियमों को पहले जान लें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं।